मौजूदा परिस्थिति में उनका महत्व काफी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं हमारे प्रदेश के, अगर गठबंधन के भीतर ऐसी कोई चर्चा हुई है तो उन्हें उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं टीवी 9 बिहार झारखंड। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के लीडरशिप में बने नए मंत्रिमंडल में अपने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के लिए ज्यादा हिस्सेदारी की मांग की है। मांझी के बेटे संतोष सुमन एनडीए सरकार के गठन के दौरान मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। संतोष कुमार ने कहा कि वो उच्च जाति के उम्मीदवार के लिए एक और कैबिनेट बर्थ चाहते हैं। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी मांझी का समर्थन करते हुए वर्तमान परिस्थिति में उनकी मांग को जायज करार दिया है। घटक दलों के साथ तो भाजपा की बातचीत चल ही रही है, एक बार एक आम सहमति बन जाती है तो उसके बाद मुझे लगता है इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। पर जीतन राम मांझी इन दिनों अलग सुर लापे हुए हैं, दो मंत्रालय मांग रहे थे। मैं मुझे नहीं पता कि उनकी गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई है। यकीनन उनके विधायकों की संख्या भले कम हो पर मौजूदा परिस्थिति में उनका महत्व काफी है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं हमारे प्रदेश के, अगर गठबंधन के भीतर ऐसी कोई चर्चा हुई है तो उन्हें उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं कि मांझी जी हो सकता है कहीं कोई खेला ना कर दें, आरजेडी के साथ चले जाएं। मुझे नहीं पता कि कौन खेला करेगा नहीं करेगा, तो खेला होने की पर मैं इतना जरूर मानता हूं कि आने वाले दिनों में ये सारी, देखिए, गठबंधन के भीतर की जाने वाली बातें हैं, इसको सार्वजनिक तौर पर इसकी चर्चा करने से सिर्फ नुकसान होता है। और मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी बातचीत गठबंधन के घटक दलों और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा दल, उनसे चल रही होगी। मैटर ऑफ टाइम की बात है, बहुत जल्द सारी परिस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मांझी को सीएम बनाने तक के ऑफर दे डाले, कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाए, मुख्यमंत्री बना देंगे। अब देखिए, विपक्ष का घटक दल हमेशा गठबंधन हमेशा चाहेगा कि कोई ना कोई घटक दल टूट के उनके साथ जाए ताकि परसेप्शन की लड़ाई में वो जरूर आगे हो जाए। जैसा मैंने कहा, मैटर ऑफ टाइम की बात है, बहुत जल्द सारी परिस्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके पहले मांझी ने कहा था कि राज्य में एनडीए सरकार के गठन से पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से बातचीत की थी कि हम दो कैबिनेट बर्थ चाहता है। उनके पास अनुसूचित जाति से एक मंत्री है, वे चाहते हैं कि उनकी पार्टी से एक उच्च जाति के नेता को शामिल किया जाए। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के संस्थापक मांझी भूमिहार नेता अनिल कुमार के लिए वकालत कर रहे थे, जो टिकारी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जिसके कुल 4 विधायक हैं। मांझी, जिन्होंने 2022 में एनडीए का साथ छोड़ दिया था, वो 6 महीने पहले भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में लौट आए थे। मांझी ने सुमित कुमार सिंह का नाम लिए बिना कहा था कि आखिरकार एक निर्दलीय को भी मंत्री पद मिल गया है। मांझी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है और उम्मीद है कि जब कैबिनेट विस्तार होगा तो उनकी मांग पर ध्यान दिया जाएगा। तो हम शुरू से कह रहे हैं कि निर्दलीय एक विधायक हैं, उनको आप एक मंत्रालय देते रहे हैं, आज भी दिया, और हम 5 विधायक हैं, 4 MLA और 1 MLC, तो हमको कम से कम 2 मंत्री जरूर चाहिए। तो इस लाइन पर हम बात किया है, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात किया है, नित्यानंद राय से भी। खैर, जीतन राम मांझी की पार्टी को 2 मंत्री तो नहीं, लेकिन उनके बेटे को 2 मंत्रालय जरूर मिला है। पर अब फ्लोर टेस्ट से पहले ही साफ होगा कि बिहार की सियासत में क्या बदलता है। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीवी 9 बिहार झारखंड।